2022 हाँ ये वही साल है जहां पर इंडियन मूवीज में काफी फ्लॉप फिल्मों की लाइन लगी, तभी कुछ फिल्मों ने कमाल का प्रदर्शन किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मूवीज के बारे में जिसे 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। नंबर 5 पे आने वाली तमिल इंडस्ट्री की पैन इंडिया मूवी विक्रम। मूवी की स्टोरी काफी तगड़ी है। शहर में अजीबोगरीब मर्डर हो रहे हैं जो कि एक मास्क पहना हुआ किलर कर रहा है। किलर अपने हर मर्डर का लाइव शूट करता है और पुलिस को भेजता है और एक चैलेंज छोड़ता है कि पकड़ सको तो पकड़ लो। कौन है ये किलर और क्या है इसका मकसद, यह आप मूवी देखो फिर ही पता चलेगा। अगर मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें कमल हसन, विजय सेतुपति, फाहिद फाजिल और इसी के साथ मूवी के एंड में एक बहुत तगड़ा कैमियो है सूर्या सर का, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। नंबर 4 पे आने वाली मूवी है पुष्पा। पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, जैसी डायलॉग जिसने सबके जबान पे अपना घर बना लिया था। लोगों ने श्रीवल्ली के गाने पे नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ ली। ये वही पैन इंडिया मूवी है पुष्पा। फिल्म की कहानी मैं झुकूंगा नहीं का एटीट्यूड लिए एक मजदूर की है जो एक दिन लाल चंदन की स्मगलिंग का मालिक बन जाता है। फुल एक्शन मूवी है जो की एक बात बताती है, कुछ भी हो जाए कभी झुकना मत। इस मूवी के मुख्य किरदार है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मन्ना, फाजिल, सुनील सर और हम सब की अंटावागल समंथा। अगर एक्शन मूवी के शौकीन तो ये मूवी अब तक देख लिए होगे। क्या कहा, नहीं देखा तो श्रीमान किसका इंतजार कर रहे हो। नंबर 3 पे आने वाली मूवी है कांतारा, जो कि मात्र 16 करोड़ में बनी मूवी है जिसने अपनी दमदार स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन से सबको हिला के रख दिया। इस मूवी ने ऑल टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया 406 करोड़ के आसपास का। कहानी की शुरुआत होती है एक देव रूपी पत्थर से जिसके की गाँव वाले पूजा करते हैं। माना जाता है कि वो उनके गाँव और उनकी रक्षा करता है। गाँव वाले पूरी तरह जंगल पे निर्भर होते हैं, वे जंगल से लकड़ियां लाते हैं, जानवर मारते हैं। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सरकार उस जंगल को अपने अंडर लेना चाहती है। गांव वाले इस जंगल को देना नहीं चाहते और सरकार जबरदस्ती उनसे ये जंगल लेना चाहती है। पुलिस इस जंगल को लेने के लिए गांव वालों पे काफी जुल्म भी करते हैं। इन सभी समस्याओं से जूझ ही रहे होते हैं गांव वाले कि उनकी एक नई समस्या इंतजार कर रही होती है। यहां पे एंट्री होती है एक नए शख्स की जो खुद को राजा का वंशज कहता है। गांव वालों से ये अपनी जमीनें वापस मांगता है जो इनके पुरखों ने देव को दान स्वरूप दी थी। गांव वालों पे अनेक समस्याएं आन पड़ती है, अब उनका देव उन्हें कैसे इस समस्या से निकालेगा, पूरी कहानी यही है। कहानी के मुख्य किरदार है ऋषभ शेट्टी जिन्होंने इस मूवी की राइटिंग, डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग सब की है। नंबर 2 पे आने वाली मूवी है ट्रिपल। इस मूवी के बारे में क्या ही कहना, इसने तो सबको दीवाना बना के रख दिया था। हाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शामिल है ये मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज एक छोटे कबीले की लड़की को उठा के ले जाते हैं अपने साथ जबरदस्ती। वो कहते हैं ना हर कबीले का एक सरदार होता है, वैसे इस कबीले का भी एक सरदार है जो अपने गाँव की बच्ची को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ने चल पड़ता है। पर उसका सामना होता है एक ऐसे अंग्रेजी सिपाही से जो कि काफी बलवान होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंग्रेजी सिपाही अंग्रेजों के साथ रह के भी अंग्रेजों के खिलाफ काम करता है। मूवी काफी एक्शन से भरी हुई है जो कि हमें बहुत एंटरटेन करती है। अगर कहानी में मुख्य किरदार की बात करें तो जूनियर एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन इत्यादि शामिल है। नंबर 1 पे आने वाली मूवी है ब्रह्मास्त्र। इस मूवी के बारे में क्या ही बताएं, तो रहन दो फिर। जब सबसे ज्यादा सर्च हुआ है तो इसके बारे में सबको पता ही होगा। ये मूवी दैविक शक्तियों से घिरी हुई है। इसमें सभी कोई एक शस्त्र जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है उसके पीछे पड़े हुए हैं। जो भी इस ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लेगा वो दुनिया पर राज करेगा। ये कहानी की नींव है। इस मूवी के मुख्य किरदार है रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन सर और इसी के साथ शाहरुख खान का एक कैमियो है जिसे देख कर आपको मजा आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें।